अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं मटन कढ़ाई गोश्त। बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत टेस्टी रेसिपी है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है मटन, 1 किलो के करीब है ये। 4 प्याज मैंने पहले से पीस के रख दी है। यहाँ पे मैंने लिया है नमक, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 हरी मिर्च और 1 गिलास पानी गोश्त को उबालने के लिए। तो सबसे पहले हम गोश्त को उबालेंगे। तो मैंने कुकर में गोश्त डाल दिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक, जितना गोश्त हो उसके हिसाब से आप डालिए। मिर्ची डाल दीजिए उसमें, उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। उसके बाद जो हमने प्याज पीस के रखी थी 2 चम्मच मैं डाल दूँ इसके अंदर, बाकी हम बाद में यूज़ करेंगे। उसके बाद उसमें पानी डाल देंगे और इसे अब हम उबालने के लिए रख देंगे। 15 मिनट के बाद हम देखेंगे। जब तक गोश्त उबल रहा है, चलिए ग्रेवी बनाने के लिए हम मसाले देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच जीरा लिया है, 2 बड़ी इलायची, 3 तेज़पत्ता, 3 लाल मिर्च है और मेथी दाना 1 चम्मच लिया है। यहाँ पे मैंने 4 प्याज जो मीडियम साइज़ की थी उसे पीस ली है। 3 बड़े टमाटर मैंने पीस लिए हैं। यहाँ पे कुछ ड्राई मसाले हैं, इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच है, 1/2 चम्मच हल्दी है, ब्लैक पेपर पाउडर है, गरम मसाला है और थोड़ा नमक लिया है मैंने और कढ़ाई मसाला है। यहाँ पे 1/2 कप दही लिया है। यहाँ पे हरी मिर्ची मैंने 4 ली जो मैंने बीच में से फाड़ ली है और 1 अदरक का टुकड़ा मैंने बारीक कट कर लिया है। तो चलिए गोश्त को चेक कर लेते हैं। गोश्त हमारा उबल चुका है। तो यहाँ पे ये देखिए, मैं आपको दबा के दिखाती हूँ, गोश्त अच्छी तरह से हमारा गल चुका है। तो चलिए आप ग्रेवी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली है, इसमें हम तेल डालेंगे। 2 बड़े चम्मच तेल मैं डाल रही हूँ। तेल गर्म हो जाए तो इसमें हम खड़े मसाले डाल देंगे। मसालों को डालने के बाद में हमें इसे अच्छी तरह से भूनना है। अच्छी तरह से हमें मसाले को भून लेना है। मसाले का कलर जब चेंज हो जाए तो इसमें हमें प्याज डालनी है जो हमने बचा के रखी थी, पिसी हुई प्याज जो हमने थोड़ी सी 2 चम्मच अदरक लहसुन डाल के जो गोश्त को उबाला था, और बाकी बची हुई सारी प्याज को हम इसमें डाल देंगे और प्याज को हम बराबर चलाते रहेंगे। गैस का फ्लेम मैं अब हाई कर दूँगी और हमें हाई फ्लेम पर इसे कलर चेंज होने तक अच्छी तरह से भूनना है। बहुत ज़्यादा हम ब्राउन नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ, 1/2 चम्मच मैंने डाला है। अदरक लहसुन का पेस्ट हमें अच्छी तरह से भून लेना है डाल के। इसके बाद हम इसमें गोश्त ऐड करेंगे जो हम उबाल के रखे हैं। तो यहाँ पे मैं गोश्त को छान के डाल दूँगी, लेकिन गोश्त का पानी हमें फेंकना नहीं है, हम उसे बाद में ग्रेवी में ऐड करेंगे। तो यहाँ मैं सारा गोश्त इसमें डाल देती हूँ। गोश्त को डालने के बाद में हमें इसे खूब अच्छी तरह से भून लेना है। यहाँ हाई फ्लेम पे मैं इसे अच्छी तरह से भून रही हूँ ताकि जो भी पानी है इसका सब जल जाए। इसे हम अच्छी तरह से चलाते रहेंगे ताकि पकड़ने नहीं पाए नीचे से। यहाँ हम इसे लगातार 5 मिनट तक भूनेंगे। यहाँ देखिए बिल्कुल सूखा हो गया है गोश्त। अब इस पॉइंट पर हमें इसमें ड्राई मसाले ऐड कर देना है। ये मसाले जो हमने रखे थे, सारे मसाले हम इसमें डाल देंगे। दही भी डाल देंगे इसके अंदर और हम इसे लगातार चलाते रहेंगे। इसे हमें अच्छी तरह से भून लेना है, दही का जितना पानी है पूरी तरह से वो सूख जाए। यहाँ पे हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं। तो हाई फ्लेम पे हमें इसे अच्छी तरह से पका लेना है। यहाँ देखिए पूरी तरह से दही का पानी सूख चुका है। मसालों को हमें इसी तरह से भूनते रहना है। उसके बाद गैस का फ्लेम हम स्लो कर देंगे और उसमें हम टमाटर ऐड करेंगे जो हमने पीस के रखे थे, लेकिन हम सारा टमाटर एक साथ में नहीं डालेंगे, थोड़ा हमने बचा के रखा है बाद में डालने के लिए। तो इसे डाल के हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसके बाद हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे, आप जितना तीखा खाते हैं उस हिसाब से इसमें डाल दीजिए, और अदरक का टुकड़ा हम इसमें डाल देंगे। इसके बाद इसे कवर करके 10 मिनट के लिए हम स्लो फ्लेम पर पकाएँगे। 10 मिनट के बाद हम देखते हैं खोल के। तो यहाँ देखिए कितनी अच्छी तरह से तेल निकल चुका है। इसे हम अच्छी तरह से पहले चला लेंगे। यहाँ देखिए हमने इसमें अभी पानी ऐड नहीं किया है, मसाले अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब जो बचे हुए टमाटर के जो जूस है उसे हम डाल देंगे इसमें, और ऊपर से मैं हरा धनिया भी डाल रही हूँ। और इसे मिक्स करने के बाद 5 मिनट के लिए हमें दोबारा से पकाना है। तो इसे हम अच्छी तरह से चला लेंगे पहले।
उसके बाद अब मैं इसे कवर कर दूंगी। तो 5 मिनट के बाद हम देखेंगे। यहाँ देखिए 5 मिनट हो चुका है, मसाले भी देखिए अच्छी तरह से तेल निकल आया है ऊपर। इसमें अब हम ग्रेवी को थोड़ा पतला करने के लिए गोश्त का पानी जो हम बचा के रखे थे वो हम इसमें ऐड करेंगे। आप अपने हिसाब से डालिए जितना आपको ग्रेवी बनाना है। तो यहाँ पे मैंने गोश्त का पानी डाल दिया है, इसे हमें अच्छी तरह से चला लेना है। इसे मिक्स करने के बाद में हमें गैस का फ्लेम हाई रखना है और 2-3 मिनट के लिए हम इसे इसी तरह से चलाते रहेंगे। उसके बाद मैं इसमें कसूरी मेथी ऐड करूँगी। तो मैंने यहाँ पर कसूरी मेथी ली है, इसे हाथों से मसल के मैं इसमें डाल रही हूँ। इसमें थोड़ा सा मैं हरा धनिया भी ऐड करूँगी। इसे डालने के बाद मैं इसे ढक दूँगी। यहाँ पे मैंने अदरक का टुकड़ा भी यूज़ किया है, आप चाहें तो डालें, ऑप्शनल है ये। उसके बाद 5 मिनट के बाद हम देखेंगे। तो यहाँ देखिए ग्रेवी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, हमारा कढ़ाई गोश्त एकदम रेडी है। इसे हम अच्छी तरह से भून लेंगे। यहाँ देखिए ये बिल्कुल तैयार हो चुका है, अब हम गैस का फ्लेम ऑफ़ कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा कढ़ाई गोश्त बिल्कुल रेडी है। तो आप इसे नान के साथ, चावलों के साथ यूज़ करिए, बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सब निकाल रही हूँ सारा गोश्त इसके अंदर, इसे हम अब गार्निश करेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया मैं ऊपर से डाल देती हूँ, कटा हुआ थोड़ा सा अदरक डाल देंगे और हरी मिर्च मैं ऊपर से रख दूँगी। आप अपने हिसाब से इसे डेकोरेट करिए, ये बहुत टेस्टी है और बहुत जल्दी बन जाता है। तो आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।